सारे दर्शक ने राम राम मौजूद हाँ। जुलाना के खाटू श्याम जी मंदिर में आप देख सकते हैं अन्नकूट वितरण से पहले यहाँ हलवाइयों द्वारा प्रसाद तैयार कराया जा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। और मंदिर प्रांगण के अंदर विशाल भंडारा लगाया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और खाटू श्याम जी मंदिर जुलाना के प्रांगण में हम पहुँच चुके हैं। जुलाना खाटू श्याम जी मंदिर में विशाल भंडारा लगाया गया है, जिसका दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी को अन्नकूट प्रसाद वितरित किया जा रहा है और मंदिर कमेटी के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं दर्शन में। दूसरी तरफ सामने देखेंगे तो आप कीर्तन भी चल रहा है महिलाओं का, और खाटू श्याम जी महाराज ये आप दर्शन कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जुलाना मंदिर प्रांगण ये देखिए, और जो भंडारा लगाया गया है उसका दृश्य भी आप देख पा रहे हैं लगातार। सब मंदिर प्रांगण भी आप देख सकते हैं अन्नकूट प्रसाद वितरण होता हुआ, काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर लेने के लिए आए हुए हैं। और आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके, बात करेंगे आज के अन्नकूट वितरण प्रसाद के बारे में। आचार्य जी नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार, श्री राधे। काफी भीड़ दिखाई दे रही है मंदिर प्रांगण के अंदर, लगातार भक्त पहुंच रहे हैं प्रसाद के लिए। ऐसा क्या विशेष है कि भक्तों की आस्था और विश्वास इस प्रसाद को लेकर है? वैसे तो ये जो खुशी है, प्रसन्नता है, ये उत्सव दुगना हो गया। कल भी कर रहे थे जी, जी कल भी कर रहे थे, आज भी है जी जी। और गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में महाराज गिरिराज जी की पूजा करते हुए आज जो है विशेष अन्नकूट बनाया जाता है जी जी जी। गोवर्धन की पूजा करके उनका भोग लगवा के ठीक 12:15 बजे भोग लगा के आरती बंदन के बाद निवेदन किया जाता है घर घर में, ये जो प्रसाद पहुँचता है जी जी। उसके बाद जो है पूजा होती है भगवान जी की। इसलिए आज का विशेष महत्व यही है कि भगवान बांकी बिहारी जी गिरिराज जी महाराज प्रसन्न होते हैं इस भोग से जी जी जी, और सबको प्रसाद भी। ये देख सकते हैं आचार्य जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि भगवान गिरिराज जी प्रसन्न होते हैं और इस तरह से खुशी में प्रसाद वितरित किया जा रहा है। जुलाना के सत्यनारायण मंदिर प्रांगण का ये दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं। दृश्य में लगातार सुबह से ही भक्त मंदिर की तरफ प्रसाद लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, जैसे ही 12:15 बजे उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरित किया गया। सत्यनारायण मंदिर प्रांगण का ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं DN हरियाणा के माध्यम से, लगातार भक्तों का पहुँचना जारी बने रही है। इसी तरह की जानकारी के लिए DN हरियाणा के साथ। हनुमान मंदिर प्रांगण में हम देख सकते हैं, हनुमान मंदिर का दृश्य हम देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में भगत भगत प्रसाद बांटा जा रहा है, काफ़ी संख्या में इतना भीड़ प्रसाद लेने किया जा रहा है, लेने के हनुमान मंदिर का ये दृश्य हम आपको सारे किया जा रहा है। साफ शहरवासी साफ करा दी यहाँ पर काफ़ी संख्या में। और ये जो दृश्य देख पा रहे हैं जुलाना के दुर्गा मंदिर का, यहाँ पर काफ़ी संख्या में महाराजी पहुँचे प्रसाद लेने के लिए। विशेष पूजा के बाद प्रसाद वितरित किया जा रहा है, खैरियों में बर्तनों के प्रसाद दिया जा रहा है। और आगे आने वाले दर्शन देख पा रहे हैं कि इस समय विशाल भंडारा लगाया गया है, उसका ये दृश्य है। हर किसी को प्रांगण से देख सकते हैं, भंडारा किला जा रहा है, हर कोई यहाँ पर भंडारे प्रांगण में पंडित जी यहाँ पर देख सकते हैं, और भोजन करें हर किसी आने वाले को। सारे महिला मंडली द्वारा यहाँ पर कीर्तन भी किया जा रहा है और देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था की गई है, जो आप देख पा रहे हैं दृश्य में। हर किसी को यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जा रहा है, यहाँ पर कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी कन्याओं को भोजन वितरित किया गया है और महिलाओं के लिए अलग से प्रतियोगिता की गई है, जो महिलाएँ संगीत करते हुए महिलाओं का संगीत है। और यहाँ पर लगाया गया है